वेलकम है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 संस्कृत का मॉडल पेपर है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2024 क्लास 7 संस्कृत का मॉडल पेपर है। पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न अवतरणों में से किसी एक का सप्रसंग हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके दो अवतरण हैं, दो में से आपको किसी एक का सप्रसंग हिंदी में ट्रांसलेट करना है और इसका मिलेगा आपको 10 नंबर, ठीक है। पहला आपका ये रहा, लखनऊ नगर में उत्तर प्रदेश की राजधानी अस्ति, ठीक है। लखनऊ नगर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इंद प्राचीन सुरम्य चय नगरम अस्ति, इस तरीके से आपका पैराग्राफ है। आगे देखते हैं और नीचे जो है आपका वो दूसरा ग्राफ है, दूसरा वाला भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दो आपके अवतरण हैं, ठीक है। दूसरे अवतरण के बाद में यहाँ पे आपका दूसरा अवतरण है, खै, उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, किसी एक श्लोक का अनुवाद सप्रसंग हिंदी में कीजिए। आपके दो श्लोक हैं, दया में देव दीनेशु, दया दृष्टि सदा दया, प्रतिज्ञा दीन दक्षाया दयालु जातु ना है, ठीक है। तो दो आपके श्लोक हैं, दो में से आपको किसी एक का सप्रसंग हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एक नीचे है आपका, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वतुष्यन्दे। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन, किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। आपके दो पाठ हैं, अति लोभो न कर्तव्य है, और दूसरा है आपका श्रम एवं विजयते, ठीक है। किसी एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना है, इसका मिलेगा आपको 10 नंबर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं तीन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है आपके, यहाँ पे भर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यह है पेपर का सेकंड पेज, ठीक है। आपका खै, माया दास उद्यानत है जल में, और इस तरीके से आपके ग्राफ हैं, ठीक है। आगे आपका पांचवा क्वेश्चन, किन्हीं तीन खंडों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके चार हैं, चार में से आपको तीन के उत्तर देने हैं संस्कृत में, इसका मिलेगा आपको 12 नंबर, ठीक है। एक जो है आपका 4 नंबर का है, 4 तिया 12 है। आपका छठा क्वेश्चन, किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। आपके तीन शब्द हैं, नायक अश्व सादी और वायु या नस्य, ठीक है। तो दो का आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, तो आप कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका, निम्न में से दो क्रियापदों में लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। आपके तीन है, ये तीन में से आपको दो का जो है आपको लकार पुरुष तथा वचन लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं इसे भी। आठवां आपका, आठवें में आपको समास विग्रह करने हैं, शासन नीति भोजनालय में पाठशाला में, शासन नीति भोजन प्लसालय, ठीक है, पाठ प्लसशाला। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भक्ति वचन लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको वाक्यों का संस्कृत में ट्रांसलेट करना है।